छप्पन जगत भूत से ऐसे लोग जो सपनों को पकड़ पकड़ करके गणित निकालते रहते हैं, खोजते रहते हैं रहस्य, ये अलग अलग तल के ऊपर होता है। साधारण तल के ऊपर, फिर उसे थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, जैसी जिसकी स्थिति होती है, आध्यात्मिक स्थिति, मानसिक स्थिति, उसी तल के आधार के ऊपर उसको वो चीजें दिखाई देती। साइंस तो ये बोलता है कि जो चीजें ना देखी हो, ना सुनी हो, और जिन चीजों का पता ही नहीं हो, वो चीजें स्वप्न में दिखाई नहीं देती। लेकिन आध्यात्म कुछ और बोलता है, क्योंकि हमारे योगियों ने जो खोज की वो और गहराई तक जा करके, तल तक जा करके, और श्रेष्ठता तक, वह तक खोज की है। वो ये बोलता है कि सपनों के अंदर पूर्व जन्म भी दिखाई दे सकते हैं, पूर्व जन्म में किए गए कर्म भी दिखाई दे सकते हैं। बहुत लोगों को अगर पिछले जन्म में ले जाया जाए किसी भी तरह से, तो इस प्रकार की बहुत घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जैसे उसको कोई पिछले जन्म में किसी ने हत्याएं की, उसको स्वप्न में अपनी गर्दन ही कटती दिखाई देगी। पिछले जन्म में किसी ने जला करके मारा है, वही अग्नि दिखाई देगी, एकदम से हड़बड़ा करके खड़ा हो जाएगा। क्या उसने इस जन्म में इस प्रकार की घटनाएं देखी है? नहीं देखी। कुछ ऐसी चीजें जो एकदम से दिखे और पहचान ले कि हाँ ये तो मुझे कल ही दिखाई दी थी, आज हो गई, यानी होने वाली घटनाएं। उनसे भी श्रेष्ठ योगी लोग जो स्वप्न लेते नहीं, भूत भविष्य वर्तमान जो चल रहा है, होने वाली घटनाएं, उन्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें कोई दोराई बात नहीं, वो जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, उसी प्रकार से वो योग निद्रा में चले जाते हैं। जब योग निद्रा बोलते हैं उसको, जब वो योग निद्रा में जाते हैं तो वो उस स्थिति से गुजरते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। तो जब वो उस स्वप्न की स्थिति से गुजरते हैं तो इन घटनाओं को देखते रहते हैं, होने वाली घटनाओं को, कि कहाँ क्या होना है, किसके साथ क्या होना है। आप लोग भी अगर थोड़ा बहुत भी योग ध्यान करते हैं, सुमरण करते हैं, तो आपके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं होती होंगी, क्या आने वाले भविष्य को देख सकें। किसी के घर गए, आपको एहसास हो कि मैं पहले यहाँ आया हुआ था, मैंने पहले यहाँ देखा हुआ था, इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती। ये गहरे तल की बातें होती हैं। इसको लोग, कुछ लोग कि जैसे मैंने देखा, सट्टा लगाने वाले लोग हैं, उनको अगर कुछ दिख जाए उससे नंबर निकालते रहते हैं, अगर उसको कुछ पता चल जाए स्वप्न में उसको निकालते रहते हैं, खोजते रहते हैं। ये खोज का विषय है। तो अलग अलग स्थिति के लोग अलग अलग तरह के स्वप्न देखते रहते हैं। ये नहीं है कि स्वप्न नहीं देखते। लगभग 99.99% लोग, 100% तो कुछ होता ही नहीं, सबके सब लोगों को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का स्वप्न आता ही रहता है, और ये स्वप्न चलते ही रहते हैं। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो इनका अर्थ निकाल लेते हैं, स्थितियां निकाल लेते हैं, कौन स्थिति में है, आध्यात्मिक घटनाएं निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका भी एक विज्ञान होता है। ये भी मतलब एक तरह का साइंस होता है कि अगर ये दिखाई दिया तो इस प्रकार की होगी, देवता दिखाई दिए तो ये होगा, देवराज आया है तो ये होगा, पवन देव आया है तो ये देने के लिए आया होगा, मतलब इशारे करते रहते हैं देवता भी। और कई बार योगी लोगों को स्वप्न में संदेश भी आने लगते हैं, ये नहीं कि वो भूल जाएंगे, नहीं, वो संदेश आते रहते हैं,
वहां जाना है, आज ये करना है वो कर, आपको पता चल जाएगा जब आप योग करोगे, ध्यान करोगे, आपको योगी हो जाओगे, पता चल जाएगा। या हमारे ऋषि मुनियों का इतिहास उठा करके देखोगे कि जो उनके गुरु चले गए शरीर छोड़ करके, वैसे गुरु कभी आते जाते नहीं, लेकिन कुछ लोग ये मान लेते हैं कि मेरा गुरु चला गया, शरीरधारी नहीं रहा, तो जब वो शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, उनके शिष्य अगर अधूरे रहे, तो अगर वो योग साधना नहीं करते तो वो स्वप्न में आकर के उनके उपदेश और संदेश देने लगते हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और इस प्रकार की घटनाएं देवताओं के साथ भी होती हैं कि देवता आकर के भी स्वप्न में संदेश देते हैं। अगर देवता आएंगे तो आसुरी शक्तियां भी आएंगी, भयभीत भी करेंगी, भय पैदा भी करेंगे। ये नकार नहीं सकते कि स्वप्न की दुनिया है ही नहीं। स्वप्न की दुनिया एक विज्ञान की दुनिया है, एक साइंस की दुनिया है, और ये एक स्थिति है स्वप्न की कि जब चारों अवस्थाएं हैं तो चारों अवस्थाएं में से अगर आदमी गुजर करके जाएगा तो ये भी एक अवस्था है, लेकिन ये इससे अगली अवस्था में जाएंगे तो ये नीचे रह जाएगी। तो इस विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता। आपको भी स्वप्न आते होंगे, आपको भी अनुभव होते होंगे, अलग अलग प्रकार के। विषय ये नहीं कि स्वप्न किस प्रकार के आ रहे हैं, विषय ये है कि स्वप्न मतलब आते हैं नहीं आते, सच है नहीं सच है, क्या रहस्य है, टॉपिक ये है। तो आप इसको समझ गए होंगे, आप ही को इसका अगर रहस्य है, अगर कुछ और पूछना है, कुछ और खोजना है तो बताइए, फिर उसी प्रकार से आपको, आपके अनुसार से, उसी प्रकार से आपको समझने में हम आपकी मदद करेंगे।